नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मार्च 2020 और आप सभी का स्वागत है द लेबल 10 में। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, रेल्डर एक्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, यह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस। इसमें हम किसी भी एक्सप्लोसिव को 20 से 22 मीटर की दूरी से भी पता कर सकते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दुनिया का पहला डार्क स्काई मिशन है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू। और अब आप मैप में देख सकते हो न्यू, जिसकी कैपिटल है एलोफी। अब आप दूसरे मैप में देख सकते हो, देखो इसमें न्यू को देखिए, यह साउथ पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है और यह फिजी आइलैंड के पास है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नॉमिनेट किया गया है? इसका सही आंसर है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी के साथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। आर्टिकल 80 की क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो साइंस की, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस की। राज्यसभा को हम काउंसलिंग ऑफ स्टेट भी कहते हैं और यह संविधान के आर्टिकल 80 में परिभाषित है। काउंसिल ऑफ स्टेट में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। और अब आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं जहां लिखे हुए हैं HL दत्तू, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन, COVID-19 से निपटने के लिए PM मोदी के द्वारा एमरजेंसी फंड में SAARC एमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 मिलियन डॉलर। SAARC लीडर जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए, तभी इंडिया ने प्रस्ताव रखा कि कोविड-19 से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया जाए जिसमें कोई भी अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और इसके लिए इंडिया का SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, सारी प्रैक्टिसेस, जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी इसके लिए वो सारी परफॉर्म करेगा। और अब आप मैप में देख सकते हैं SAARC की कंट्रियाँ, देखिए अफगानिस्तान, और देखिए इसके नीचे अफगानिस्तान के नीचे पाकिस्तान, और देखिए इधर नेपाल, इधर भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका और अरेबियन सी में मालदीव्स। ये सारे जो आठ कंट्रीज़ हैं जिसमें एक हमारा प्यारा भारत, ये सारी मिलकर SAARC नेशन बनाती हैं। SAARC जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि 1985 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और अभी हमने मैप में इसके सारे 8 कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं आसपास की इंडिया के, और देखिए और एक इंडिया खुद भी इसका मेंबर है। और अगला प्रश्न, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि देश का पहला वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेज है, यह किस सिटी में बना है? यह किस सिटी में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे के अंदर। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के फैलने के कारण कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी पूरी फाइनेंशियल मार्केट को सस्पेंड कर दिया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। और फिलीपींस में ऐसा क्यों किया गया कोरोना वायरस के फैलने के कारण? फिलीपींस के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बंद कर दिया है, और आज से, मतलब आज जो हमारी 17 मार्च है, इसी दिन से आज से कर दिया है, और एक अभी टाइम भी नहीं बताया उन्होंने, एक अनिश्चित समय के लिए कर दिया है। यहाँ तक कि जो भी करेंसी है वहाँ पर या बॉन्ड जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। और फिलीपींस में दो हेडक्वार्टर भी हैं, एक है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का और दूसरा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर भी फिलीपींस में है। अगला प्रश्न, किस ट्रीटी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। अब हम थोड़ा सा NPT के बारे में देखते हैं, जो कि 1968 में साइन हुई थी। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर वेपन और वेपन्स टेक्नोलॉजी को फैलाने से रोकती है, और यह प्रमोट करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग आपस में शांति बनाने के लिए ही किया जाए। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है अभी तक, और यह ट्रीटी
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत आती है और यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही इस ट्रीटी की जिम्मेदारी लेती है। अगला प्रश्न, इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम जो कि एक इंडस्ट्री अकेडमिया से रिलेटेड है, किसके सहयोग से मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस वर्ल्ड बैंक। और यह जो IIT है या नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर ही गवर्नमेंट ने इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम से इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है। और हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और यह 1945 में बना था। अगला प्रश्न, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज्ड किया है वन कॉमोडिटी वन नेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SEBI। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, वन कॉमोडिटी वन नेशन है क्या। इसमें एक एक्सचेंज मतलब होता है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NCDEX, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उन सबको अलग अलग कॉमोडिटीज दे दी जाएंगी। जैसे एक एक्सचेंज को एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी दे दी, दूसरे एक्सचेंज को दूसरी कॉमोडिटी दे दी, इससे आपस में उनका कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ेगा और वो एक ही कॉमोडिटी पर अच्छे से डील कर पाएंगी और जिससे मार्केट बहुत अच्छे से होगा। और इसी तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, वन कॉमोडिटी वन एक्सचेंज बना भी रहेगा। अगला प्रश्न, जैस्मोनिक एसिड या जैस्मोनेट न्यूज़ में है यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। यह एक प्रकार की प्लांट हार्मोन की क्लास है जो प्लांट में होने वाले बैक्टीरिया एंड फंगल डिसीज को रोकता है, इसलिए इसे प्लांट डिफेंस रेस्पॉन्स भी कहते हैं। आज अगला प्रश्न, अम्बेडकर हाउस मेमोरियल कहाँ पर है जिसके बंद होने के अगेंस्ट में भारत सरकार ने अपील की है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। कुछ दिन पहले ब्रिटेन की स्थानीय काउंसिलिंग ने कहा था कि इस इमारत को संग्रहालय के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तब फिर भारत सरकार ने लंदन में भीमराव अंबेडकर को समर्पित स्मारक को बंद करने के खिलाफ अपील दायर की है। और आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच स्टेट हैज स्टार्टेड रोपैक्स सर्विस फ्रॉम बहुचा ढाका टू मांडवा? किस स्टेट, कौन सी जगह है दो भचुआ ढाका से मांडवा तक रोपैक्स सर्विस किस स्टेट के द्वारा, किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।